चलिए अब आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। आइए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर, जहां कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नल सोनाराम कर सकते हैं कांग्रेस ज्वाइन, बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। फिर गुड़ा मारानी से कांग्रेस टिकट दे सकती है, आपको बता रहे हैं इस वक्त का बड़ा अपडेट। दीपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं सोनाराम की पैरवी, हेमाराम चौधरी ने यहां से चुनाव लड़ने से मना किया है और अब कांग्रेस में का कुनबा बढ़ सकता है। चुनाव से ठीक पहले कर्नल सोनाराम कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं और गुड़ा मालानी से कांग्रेस का प्रत्याशी उन्हें बनाया जा सकता है। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको, दीपेंद्र हुड्डा सोनाराम की पैरवी कर रहे हैं, हेमाराम चौधरी ने यहां से चुनाव लड़ने से इनकार किया है और अब बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कर्नल सोनाराम ज्वाइन कर सकते हैं कांग्रेस और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे विशेष संवाददाता दिनेश डांगी जुड़ गए हमारे साथ में। दिनेश, क्या कुछ जानकारी कर्नल सोनाराम से जुड़ी? जी देखिए, पूर्व सांसद और कांग्रेस से पहले विधायक रहे कर्नल सोनाराम, एक दौर में कांग्रेस पार्टी से ही उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी, लेकिन बाद में सीएम अशोक गहलोत से उनकी बात नहीं बनी तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया था। फिर वो बीजेपी से सांसद चुने गए और अब जो बदली परिस्थितियां है, गुड़ा मलानी जो बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र है वहां पर हेमाराम चौधरी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, तो ऐसे में कर्नल सोनाराम की एक बार फिर घर वापसी हो सकती है। फिर वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। दिल्ली में इसको लेकर कवायद यहाँ पर जारी है और बताया जा रहा है हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा उनकी कांग्रेस में वापसी कराते हुए गुड़ा मलानी से फिर टिकट देने की पैरवी यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि अभी बातचीत का दौर जारी है, फाइनल स्टेज तक मामला नहीं पहुंचा है। सीएम अशोक गहलोत की सहमति से यह सब कुछ संभव होगा। अगर वो राजी हो जाते, मान जाते हैं तो फिर कर्नल सोनाराम की कांग्रेस में वापसी हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, मारवाड़ की सियासत में खासतौर से बाड़मेर की राजनीति में एक बड़ा बदलाव फिर देखा यहाँ पर जा सकता है और लगभग बताया जा रहा है आज शाम तक इस मसले पर सहमति बन जाएगी और फिर सोनाराम को वहां से टिकट मिल सकता है। इस तरह की खबरें सामने यहां पर आ रही है।